लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खुद को मोदी के हनुमान बताते हैं, मगर उनका बड़बोलापन उन्हीं पर भारी पड़ने लगा है। राजनीति में बहुत जल्दी उन्हें कैबिनेट मंत्री की पद मिल गई, जिस वजह से कहा जा रहा है कि चिराग के पर लग गए हैं और उन्हें काबू में रखने के लिए बीजेपी कोई प्लानिंग कर रही है। खबरों के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति और लोजपा आर पार्टी को बटा हुआ नहीं देखना चाहती है। बीजेपी का यह प्रयास जब लोकसभा चुनाव के दौरान चल रहा था, तब राष्ट्रीय लोजपा नेता पशुपति पारस को पड़ लग गए थे, और अब बीजेपी जब विधानसभा 2025 की तैयारी कर रही है तो चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे केंद्र में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस का बागी स्वर नहीं चाहती। गौर करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान केवल पारस ने खोया, केंद्रीय मंत्री का पद खोया, सांसदी भी गई, उपचुनाव में सुनील पांडे के लिए एक सीट मांगी तो उनके उम्मीदवार को ही भाजपा हड़प ली। अब बताते हैं राष्ट्रीय लोजपा एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करके एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर चिराग पासवान की पार्टी के संदर्भ में। इससे राष्ट्रीय लोजपा का इंडिया गठबंधन में शामिल होने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे पासवान वोट का बंटवारा हो सकता है, चाहे वह अधिक हो या कम। राजद में पहले से ही रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु चिराग पासवान के खिलाफ बयान देते रहते हैं। यदि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो यह स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस में भी नीतीश सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी पासवान पहले से ही चिराग पासवान के खिलाफ बोलते रहते हैं। इसके अलावा समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने भी चिराग पासवान को राजनीतिक चुनौती दे दी है, तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। ये सच है कि अमित शाह से पशुपति पारस और प्रिंस पासवान की मुलाकात ने चिराग पासवान की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में कई मुद्दों पर बीजेपी का रुख चिराग पासवान का विरोधाभासी था, चाहे वह आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात हो, लैटरल नियुक्तियों का मामला हो या वक्फ संशोधन अधिनियम 2024। चिराग पासवान के तीखे बयानों ने इंडिया गठबंधन की हिम्मत को और बढ़ा दिया, जिससे बीजेपी को अपने ही गठबंधन सहयोगियों के साथ मुश्किलें झेलनी पड़ी। इस बीच अब चिराग पासवान अपनी पार्टी की स्थिति को लेकर निराश थे। बीजेपी के प्रमुख नेता पशुपति पारस और प्रिंस पासवान के साथ बैठक कर रहे थे। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि बीजेपी का एक्शन प्लान का हिस्सा हो सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से अमित शाह ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि उनके लिए न तो पशुपति पारस और न ही प्रिंस पासवान अछूत है। यह कदम चिराग पासवान की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने के लिए काफी हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।